हेलो व्यूवर्स, आज मैं हूँ लेक विक्टोरिया के बीच पर और यहाँ जो रिसोर्ट है हम वहाँ से आज शूट करने वाले हैं इनके किचन में एग्जीक्यूटिव शेफ के साथ में। तो स्वागत है आपका मेरे किचन में। और अभी जो आपका आवाज़ आ रही होगी, बीच पे पानी की आवाज़ आ रही होगी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है, हम वहाँ हैं। तो चलिए हम रिसोर्ट में चलते हैं। यहाँ पर अभी जस्ट बारिश होकर के रुकी है, तो वेदर बड़ा प्लेजेंट सा हो रखा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर पे। तो हम किचन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे शेफ ने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशंस की हुई है। और तो चलिए हम किचन की तरफ चलते हैं और शेफ विन से मिलते हैं, वो यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। ये देखिए कितनी अच्छी और यम्मी चीज़ी चीज़ बॉल्स जो हैं शेफ ने बनाई हैं। और जो हम रेस्टोरेंट और होटल की हमेशा तारीफ़ करते हैं, वहाँ का खाना वैसा होता है, ऐसा होता है, तो अब से हम मंडे टू फ्राइडे रोज़ शेफ के साथ ही कुक करेंगे और ये रेस्टोरेंट वाला खाना हम खुद बनाना सीखेंगे। और सैटरडे और संडे हम मेरे किचन से शूट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ में, और बेल आइकन जो है उसको हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो शूट करूं तो उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए कितना अच्छा चीज़ी चीज़ बॉल है जो शेफ ने बनाया है। तो आज हम शूट कर रहे हैं शेफ विन के साथ में, और शेफ विन जो है उन्होंने सारी प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चीज़ बॉल की रेसिपी बनाना। शेफ़ ने ये जो है मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके रखा हुआ था। सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है, सिर्फ हमें दिखाई है वो किस तरह से बनाना है। ये है ग्रेटेड पनीर और इसी में उन्होंने ऐड किया है गौडा चीज़। और ये है ओरिगेनो, ये 1/4 स्पून है। ये है फ्रेश रोज़मेरी, ये इन्होंने इनके गार्डन में ही लगा रखी है तो एकदम फ्रेश मिल जाती है। ये करिएंडर लीव्स यानी कि हरा धनिया चॉप किया हुआ। देन ये है पेपरिका स्पैनिश, आप चाहें तो कुटा हुआ, जो कुटी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। ये है पुदीना यानी कि मिंट लीव्स चॉप्ड हैं। और ये है क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, और ब्लैक पेपर, और इसी में वो ऐड कर रहे हैं लेमन जूस, उन्होंने स्क्वीज़ किया है पूरा 1 स्लाइस, और इसे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से उन्होंने मिक्स कर लिया। इसके बाद में कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं शेफ। और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड कर लें। वैसे भी आप इस बात का ध्यान रखें कि चीज़ में सॉल्ट ऑलरेडी होता है, तो आप ज़्यादा सॉल्ट ऐड ना करें। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। और दोनों हाथों से इसे गूंथ लें आटे को, जैसे हम चपाती का आटा गूंथते हैं कुछ उसी तरह से। और शेफ ने इसे बिल्कुल हल्के हाथों से सारा इकट्ठा कर लिया है और उसे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो मिक्सर है शेफ ने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अभी हम इसकी जो है पोर्शन तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे इक्वल साइज़ के पोर्शंस की बॉल बना लें। शेफ का कहना है कि इजीली हर चीज़ घर पर अवेलेबल नहीं होती है, जैसा कि रोज़मेरी हो गया, तो कुछ चीज़ें इस तरह की होती है जो अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि ये एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का किचन है, तो यहाँ पर हर चीज़ इनके पास अवेलेबल हो जाती है। वैसे इन्होंने इनके गार्डन में लगाया हुआ है रोज़मेरी को, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। और इसमें आप ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं। और इसे शेफ ने बिल्कुल थोड़ा सा पानी अपने हाथों में डिप करके और स्मूथ कर लिया है। उनका कहना है कि इस पर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जब आप फ्राई करेंगे तो वो चीज़ जो है उसका बस्ट होकर बाहर आएगा, जो अच्छा नहीं है।
तो वैसे थोड़ा चीज़ वैसे इसमें बाहर आ ही जाता है फ्राइंग करते वक्त। तो बाकी के जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं स्मूथली। यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया है उन्होंने 1 स्पून, और बेकिंग फ्लोर लिया है 1 स्पून, यानी कि कॉर्नफ्लोर और मैदा, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, पानी ऐड करके उसका स्लरी बना रहे हैं। स्लरी बहुत वाटरी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, स्लरी रेडी है। अभी हम इसे एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पे शेफ ने जो है सूजी यानी कि सेमोलिना लिया है 2 स्पून, और 2 स्पून इसमें डाले हैं ब्रेड क्रम्स, और उसे मिक्स कर लिया है। और जो बॉल्स बनाई थी उन्हें स्लरी में पहले डिप किया है, और आई थिंक शेफ सभी को एक साथ डिप करके उसे फिर बाद में रोल करेंगे। तो इस तरह से आप डिप कर लें सारे बॉल्स को, और उसमें इन्हें बाद में जो सेमोलिना और ब्रेड क्रम्स हैं उसमें रोल कर लें। अच्छे से इसमें कोट होने दें। एक छोटा सा बॉल भी बनाया था ताकि वो फ्राई करने के लिए उसे चेक कर लें एक बार। और बाकी के जो चीज़ बॉल्स हैं उन्हें भी उन्होंने कोट कर लिया है। तो जितने भी चीज़ बॉल्स थे वो रेडी हैं। और सबसे पहले छोटा वाला बॉल डाल के देखा है, अगर वो बस्ट नहीं हो रहा इट मीन्स आपकी बॉल्स अच्छी बनी हैं। दूसरी बॉल्स भी आप फ्राई कर सकते हैं। अब जो फ्लेम है उसको मीडियम हाई रखें जब भी कुकिंग कर रहे हैं और चीज़ बॉल्स बना रहे हैं। तो बाकी की जो भी बॉल्स थी वो इसमें डाल दी गई हैं। उसके बाद में इन्हें थोड़ा अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है हमें, और इस प्रोसेस को लगेगा 4-5 मिनट। अभी थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, थोड़ा येलोइश कलर हो गया है इसका। ये कुकिंग करते करते शेफ़ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे थे चीज़ के बारे में, जो मुझे पहले नहीं पता थी। जैसे कि गोडा चीज़ जो है वो गोट मिल्क से बनता है, और मोज़रेला चीज़ जो है वो काउ मिल्क से बनता है। और भी बहुत तरह की चीज़ होती है जिनके बारे में उन्हें मुझे बताया। और यहाँ तब तक हमारी जो चीज़ बॉल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, और इन्हें शेफ़ ने बाहर निकाल दिया है, और एक पेपर नेपकिन पर लेकर के उसका एक्सेस जो ऑयल है उसे बाहर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर उन्होंने देखो कितनी अच्छी प्लेटिंग की हुई है ऑलरेडी, चटनी दी है उन्होंने साथ में, और बहुत ही सुंदर सी गार्निशिंग है। तो एकदम परफेक्ट चीज़ बॉल की रेसिपी हमने रेस्टोरेंट के शेफ़ से ही बनाना सीखी है, जो यहाँ के बहुत एक्सपीरियंस शेफ़ हैं। और इतनी अच्छी रेसिपी मैं अगर आपके लिए लेके आई हूँ तो एक लाइक तो बनता है। तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हम हर मंडे टू फ्राइडे शेफ़ के साथ में इस सीरीज़ में शूट करने वाले हैं। तो आप जो बनाना पसंद करते हैं आप मुझे लिख करके जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी रेसिपी बनवानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।